वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अहमद और आज जो है हम लोग वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं। इस आईसी के थ्रू ये आपको लिखा नजर आ रहा है, इसका नंबर है BC547, इसका नंबर है। ये जो है मैंने चार जो है इस थर्माकोल के ऊपर ग्लूगन की मदद से पेस्ट कर ली है और अब जो है मुझे इन LEDs की ज़रूरत होगी। अच्छा भी ये देखें, इसको समझ लें, ये जो LED की नेगेटिव वाली लैग होती है हमेशा छोटी होगी और पॉजिटिव जो है वो बड़ी होगी। अब जो है हमें अपने नेगेटिव जो है इसके साथ मिलाना है और पॉजिटिव को अलग रखना है। नेगेटिव इसके साथ आ जाएगी LED की और पॉजिटिव बाहर की तरफ। अब लोग देख सकते हैं हमने सबकी नेगेटिव लैग को इस BC547 के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखें सबकी, और ये जो पॉजिटिव वाली साइड है ये सबकी बाहर है, ये पॉजिटिव है तो ये सबकी बाहर आएगी। अब हम जो है इसकी सोल्डिंग वगैरह कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने सबकी सोल्डिंग वगैरह कर दी है, ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, मैंने सबकी सोल्डिंग कर दी है बेहतरीन तरीके से। और अब जो है हमें इस तरफ इस वाली साइड के ऊपर अपने सारे जो है पॉजिटिव एक तार अप्लाई करना है और इस वाली साइड पे एक नेगेटिव तार अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हैं हमने एक पॉजिटिव वायर जो है इसके साथ एज अ जम्पर अटैच कर दिए सारी LEDs के साथ और इस साइड के ऊपर हम एक जम्पर नेगेटिव की तरह अप्लाई करेंगे। अब जो है हमने एक नेगेटिव तार जो है इसके साथ अप्लाई कर दिया है, नेगेटिव तार ये आ गया और ये हमारा पॉजिटिव वायर है। अब जो है हमें जो है वाटर लेवल के लिए इन सारी लेग्स के ऊपर एक तार सोल्ड करना है। दोस्तों अब जो है हमने चार तार, एक वायर ये रहा, दूसरा इसकी लेग के ऊपर आ गया और तीसरा ये रहा और चौथा, ये चारों जो है हमारी टंकी के अंदर टेप होंगे। और ये चार तार जैसे मैंने आपको बताया था ये हमने लगा लिए हैं इसके साथ और मुझे 100K की रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी लेकिन वो मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने 2 10K की रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा लिया है। और अब जो है मेरे पास ये पानी है और अब मैं आपको इसके अंदर डिप करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब जो है मैं आपको इसके अंदर लेवल इंडिकेट करके दिखाता हूँ। ये देखें ये मेरा एक वायर है, मैं पहले इसके इसके अंदर डाल देता हूँ और फिर ये जो है, और अब जो है आप देख सकते हैं हमारी लाइटें जो है वो जलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें ये वाली लाइट भी हमारी जल रही है, ये वाली भी हमारी सारी लाइटें जो है वो ठीक तरीके से जल रही है। अब जब जो है इसके अंदर वाटर लेवल जो है वो कम होता जाएगा तो उस हिसाब से ये लाइटें जलना बंद होती जाएंगी। आप देख सकते हैं लाइटें जलना बंद हो रही हैं। अगर ये आखिरी तले पे पहुंच जाएगा पानी तो आखिरी रेड लाइट जो है वो इसको इंडिकेट करेगी कि हमारा पानी अब ख़त्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। आपको खोल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इस प्लग को जो है, ये जो प्लग है इसको मैंने इस कटर प्लास की मदद से इसको मैंने हाफ यूँ किया है, इस तरीके से रख के मैंने इसको आधे आधे पीसों में दोनों को डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से आधा आधा हमने काट लेना है और फिर अपनी चैनल पट्टी के अंदर इसको फिक्स कर लेना है। दोस्तों अब जो है मैं एक तार जो है वो अपने यहाँ टंकी से लेके यहाँ तक ले आया हूँ। ऊपर ये तार अब जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और ये तार जो है ये सीधा मेरा ऊपर टंकी के अंदर जा रहा है। ये देखें ये ऊपर सीधा टंकी के अंदर गया, ये वाला तार हमारा। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये जो तार जो है ये सीधा मेरी टंकी के अंदर जा रहा है। मैं आपको टंकी खोल के दिखा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है एक चैनल पट्टी के अंदर अप्लाई की है और जो है इस चैनल पट्टी के ऊपर मैंने अपने वो जो टांगे मैंने आपको प्लग की दिखाई थी, प्लग की लेग जो है मैंने इसको हॉट ग्लू गन की मदद से इसी ओवर पेस्ट कर लिया है और इस तरह ये मेरे टैंक के अंदर जा रही हैं। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, अगर आप दुकान से लेना चाहते हैं तो इस वायर को 3 पेयर वायर बोला जाता है। इसके अंदर दो तार जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखें इसके अंदर अलग अलग तरीके तार नज़र आ रहे हैं, मैं इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो टूट जाएगा। इसके अंदर दो तार जो हैं वो ब्लू के होते हैं, दो ब्लैक के और दो ब्राउन के। ये तार जो है मुझे 30 रुपये मीटर कराची मार्केट से मिला है। हर एरिया का प्राइस जो है वो डिफरेंट होता है तो आप ढूंढ लीजिएगा। इस तरह मैंने इसको पूरा पानी के अंदर डिप किया हुआ है। अब दोस्तों वो जो तार हमारा ऊपर से आ रहा है मैंने इसको इस चैनल पट्टी के अंदर कर दिया है
और ये जो है हमारा वही सर्किट है, वैसे ओवर मैंने दो चैनल पट्टी के पीस जो है रख दिए हैं ताकि काम जो है वो खूबसूरती के साथ हो जाए। और ये ऊपर ये एक चैनल पट्टी रखी है ताकि इसके अंदर से हमारा जो तार है 5 वोल्ट का वो इसमें से होता हुआ इस चार्जर के अंदर गया है। और अब जो है मैं आपको पानी का लेवल चेक कराता हूँ। आप लोग देख सकते हैं अभी हमारी टंकी में पानी कम है, इस वजह से सिर्फ एक लाइट जल रही है, और जैसे जैसे हम पानी बढ़ते जाते हैं सारी लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।